ऑटो भी चलाते हैं और ऑटो बनाते भी हैं, बहुत काम करते हैं। हमारा पंखा मोबाइल हर चीज, कोई कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं करते हैं, सब काम करते हैं। अपने एक लोग देखो जैसे बेटा पोतो भी हो, बेटा बेटी भी हो, जीजा दी अपन लेके कोरिया है, जैसे दुनिया के लोग बड़ा आराम करते हो तो हम अपन बना लिए अपना आराम करी चुपते रहे, ऐसे चाहते हैं। चाहते हैं एगो बेटी भी हो दिन नीमन बर कोई भी हो दिन एगो अब नीमन बर एगो लैके भर एक कॉलम लगा दिए अपने जीत में भगवान बिगड़ बड़े बिगड़ लग जाए नहीं तो खाएंगे कहाँ से, हमको दो रोटी देने वाला नहीं है कोई, दो रुपया देने वाला नहीं कोई है। लो तुम विकलांग नहीं हो, तुम सही हो, तुम सही हो, ये बताइए कहे न किस आँख से देख रहे हैं आप विकलांग नहीं है, जिसका उंगली टेढ़ा है वो विकलांग है। इनकी जो उम्र है लगभग 25 साल है और जो इनकी हाइट है लगभग 3 फुट है, लेकिन अगर इधर से आप देखिएगा तो लगभग बीता से नाप लीजिए तो 1 बीता 2 बीता लगभग 3 बीता के, और उस खेल को भगवान रचते हैं तो समझिए कितनी कठिन भरी वो जिंदगी होती है। आपके भी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आती है जिसे आप डट कर सामना करते हैं, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिसको देखकर सुनकर उनकी बातें आपके भी आंसू भर जाएंगे और आप रोने पे मजबूर हो जाएंगे कि इनकी लाइफ कैसे कट रही है। पूरे परिवार से आपको दिखाएंगे, देखिए ये तीनों परिवार हैं और तीनों परिवार में लगभग तीनों लोग लगभग से 2-2 फीट के हैं। ये भाई हैं, उधर माता जी हैं, ये इनकी बहन है, बहन के शादी हो चुका है, अब ये कुंवारे हैं, उनकी माँ है, इनके पिताजी हैं। इन लोगों से बातचीत कराएंगे। क्या नाम पड़ी भैया? अनुज कुमार मिश्रा। अनुज कुमार मिश्रा, अच्छा बताई कि जौन रवा लोग के लाइफ चलता हो क्या चलता अभी घर? अब लाइट कैसे चल रहा है, जो चल रहा है वो भगवान ही चला रहा है, थोड़ा 2 रुपये कमाते हैं, 2 रुपये खाते हैं, अपना परिवार चलाने के लिए हम चल कमा लेते हैं उतना, पर परिवार जब है तो कमाना ही पड़ेगा, परिवार रखना है, पूरा जिम्मेदारी ऊपर है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कमाना ही पड़ेगा, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, हमको 2 रोटी देने वाला नहीं है कोई, 2 रुपये देने वाला नहीं कोई है। सरकार भी जिसका उंगली टेढ़ा है, जिसके पास सब कोई है, जिसके पास सब सहारा है, उसको सब कुछ दे रहा है, पर हमारा भी कुछ नहीं मिला है। 2 साल से हम पेंशन पा रहे हैं, पहले से हम बहुत बचपन से, इस समय 25 साल के हैं, शुरू से लेके आज 25 साल के। हाँ 25 साल के। हाइट कितना है? हाइट 3.5 फुट। 3.5 फुट। हाँ तो बहुत पहले से हम पैसा का पेंशन बनवाते बनवाते थक गया, पेंशन नहीं बन पाता था, 2 साल से जाके मेरा और मेरे माँ को पेंशन मिल रहा है और मेरे बहन को अभी नहीं मिला है। बोलते हैं लो तुम विकलांग नहीं हो, तुम सही हो, तुम सही हो, ये बताइए कहे न किस आँख से देख रहे हैं आप विकलांग नहीं है, जिसका उंगली टेढ़ा है वो विकलांग है। अगर मान लीजिए नेता लोग विधायक लोग हैं, अगर उनके घर में, अगर मान लीजिए आप उनके घर में कोई विकलांग हो जाए, किसी को अंगुली टेढ़ा हो जाए, कोई किसी को कुछ हो जाए, तो लोग कहेंगे हाँ हमारे घर में विकलांग है। अगर जो बाहरी है जिसके पास करना है उसको नहीं कर रहे हैं लोग, उनको नहीं मदद करेंगे, ये तो सही बात है, ये तो बात सही है। तो देखिए आपको बता दें कि इनकी जो उम्र है लगभग 25 साल है और जो इनकी हाइट है लगभग 3 फुट है, लेकिन अगर इधर से आप देखिएगा तो लगभग बीता से नाप लीजिए तो 1 बीता 2 बीता लगभग 3 बीता के हैं, ये 3 बीता के हैं जब बैठे हुए हैं, तो ये इनका आपका पैर काम नहीं करता? हाँ एक पैर काम नहीं करता, एक पैर सही है, एक पैर से हम सब काम करते हैं, ऑटो ऑटो सब चलाते हैं, ऑटो बनाते भी हैं, ऑटो चला लेते हैं, हाँ ऑटो भी चलाते हैं और ऑटो बनाते भी हैं, बहुत काम करते हैं। हमारा पंखा मोबाइल हर चीज, कोई कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं करते हैं, सब काम करते हैं, और वही काम से तो हमारा रोजी रोटी चलता है, कोई देने वाला है ही नहीं है। मेरे पापा है, उनको हाथ पैर सब है, सब कुछ है, पर वो 2 रुपये कमाने लायक नहीं है, उनको रस्सी को बांधना बांधने को नहीं आता है, उनको कुछ नहीं आता। हमें अपने परिवार को अपना ही, 12 साल का जब था, कम से कम 12 साल हमको पापा मामा के वहाँ छोड़ दिए थे। अच्छा। भाई पर्दा सिखा के छोड़वा दिए थे लोग, और पूरा घर द्वार सब ले लिए हैं लोग, कुछ नहीं दिए हैं लोग हमको। जब मैं 12 साल का हो गया वहाँ से पूरा हमको जानकारी मिला कि घर द्वार सब ले लिए हैं लोग, कुछ दिए नहीं हैं लोग, सब कुछ छिका लिए लोग, तब जाके वहाँ से हम मामा और मौसी उसी सबको लेके आए यहाँ पे, तो थाना पुलिस किए, बहुत बहुत जोर जबरदस्ती किए, तो ये वाला जमीन मिला बस, और जमीन मिला तो उसमें प्रधान जी आए थे त्रिजुगी नारायण शाही जी, और वो वर्दे थे और पूरा पंचायत भी था उनके सामने, बोले थे जो हम एक रूम, एक असोरा, एक गैलरी, एक किचन, एक लैट्रिन बाथरूम हम बनवा देंगे, आवास मिले या ना मिले पर बनवाना हमको है, हम बनवाएंगे, और नहीं बनवाए। मेरे बड़े पापा एक रूम बोले थे बनवाने को, एक रूम वो अंदर वाला बनवा दिए, वो भी चूर आई समय, पूरा दीवार फट गया उसका, वो भी चूर आया, वो भी पानी लगता है उसमें,
पर वो एक रूम बनवा दिया और बोले थे जो प्रधान बोले वो प्रधान जी कहो, प्रधान जी कहे, प्रधान जी कहे हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो जब मालूम नहीं है तो बोले थे क्यों, बोले हैं क्यों, और दिखावा के लिए कह दिए, लेकिन काम दिखावा के लिए सब कुछ कर दिए, पंचायत में भी कर दिए, उतना बहुत बहुत बड़े बड़े बात कर दिए पर कुछ काम नहीं किए। और इस समय है तो इस समय जो प्रधान है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पर उतना नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। वो हमारा अब इस समय पेंशन ऑनलाइन करवाए हैं, युवा आवास ऑनलाइन करवाए हैं, पता ना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हमको मालूम नहीं है। कहा है कि हम 3-4 प्रधान को देख लिए, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो अब इनको भी देख ले रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमको देखना है। पूरा कोशिश करते चले आए पर आज तो कुछ नहीं हुआ, पर ये भी एक बार देख ले रहे हैं, ट्राई मार ले रहे हैं, इनको भी क्या हो रहा है। विधायक जी मेरे बहन के शादी में आए थे, शादी के 2 महीना पहले आए थे, 3 महीना, वो बोले थे हम तुमको नहीं जानते हैं, जटाशंकर त्रिपाठी जी आए थे तो बोले थे हम तुमको नहीं जानते हैं, हम तुमको नहीं देखते हैं, हमको नहीं पता था तुम लोग ऐसे हो, हम तो अब जान गए, अब हम तुम्हारा सब काम करेंगे, एक हफ्ता के अंदर तुम्हारा आवास दिलवा देंगे, तुम्हारा घर बनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इनके शादी में 45,000 रुपया देने को बोले थे, और 45,000 रुपया देने को बोले थे इनके शादी में, इनका जितना शादी का खर्च हुआ सब उठाने के लिए बोले थे, और इनका क्या बोला टाई साइकिल बैटरी वाला और सिलाई मशीन देने को बोले थे। पर वो जब शादी जो 3 दिन आया तो मैंने फ़ोन किया तो विधायक जी फ़ोन नहीं उठाए, उसके बाद बहुत फ़ोन लगाया फ़ोन नहीं उठाए, बस बाद में कभी कभी 2-3 दिन के बाद फ़ोन उठाए, शादी जब आ गया तो बोले तो कह रहा है तुम्हारे घर शादी है तुम जानो तुम्हारा काम जाने हम क्या जाने, ऐसे बोले तुम्हारे घर शादी है तुम्हारा तुम जानो तुम्हारे घर तुम्हारा काम जाने हम क्या जाने, हमको कुछ नहीं लेना लेना है, हम निकल चुके हैं, जो विधायक आया है उनसे बोलो, तो आप बोल आप विधायक निकल गए हैं तो हमको क्या लेना देना है, जो विधायक आया है उससे आप बात कीजिए, आप तक आ रहे थे, आप लिस्ट बना के लेकर उनके साथ पुलिस अधिकारी भी था, पूरा वीडियो के साथ बनवा के ले गए हैं, पूरा गाँव वाले भी थे सबके सामने बनवा के ले, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, अगर वो वीडियो देखते होंगे अगर कहेंगे झूठ बोल रहा है तो आप आइए हमसे बात कर लीजिए, हम भी मीडिया वाले को बुलाएंगे, हम अगर वो आएंगे हमसे बात करेंगे तो हम मीडिया वाले को बुलाएंगे और वीडियो के साथ बात करेंगे, देखिए क्या बोल रहे हैं क्या जवाब दे रहे हैं। देखिए इस परिवार की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं ये लोग। उधर माता जी हैं, देखिएगा तो माता जी को कान से सुनाई नहीं देता, थोड़ा बहुत कम सुनाई देता है, इशारा से हम बात कर लेते हैं बता देते हैं। अच्छा पूछिए कि आप लोग ही जो आप लोग की अवस्था कब से हुआ, पूछिए तुम से अच्छा पूछिए कि ये भी वीडियो देखा था वहाँ से क्या सहायता चाहता है दुनिया के लोग देखो पर बेटा पतु भी हो बेटा बेटी की भी हो दी जान दी अपन लेके कोरिया है जैसे दुनिया के लोग आराम करते हो तो हम वो अपन बना लिए अपना आराम करे चुपते रहे ऐसे चाहते हैं एगो बेटी भी हो दे नीमन भर कोई भी हो दे अब नीमन भर एगो लड़के भर एक कॉलम लगा दिए अपने जेट में भगवान बिगड़ पड़े बिगड़ लग जाए बहुत से बढ़िया हाथ जुड़ के भगवान की मदद की लड़के कॉलम लगा दी नीमन भर को तेने पैदारे मिली तेने भर सकते मिली तब हम लड़के कॉलम लगा दी इतना करे किए हम जिए तेन तो लड़के करो तेन खियो तेने हम ना रो तो हमारे लड़के के पूछे वाले ना आएगा भाई पर्दार एगो रोटी के दूर लग हो जाए हमारे करे दिन रात इनके खाती हाथ गिरे हमारे कत ना ना चाची मत रहे मत कहीं की मत रहे मत रहे और मदद जरूर होई रोई मत चाची मत रहे दौड़ते सजाई कर रोटी के दूर बैत बना खाना आम सिखा दे लहंगा बनाते लाते मार के मार दे चूल फूट जाए तो चली रूट जाए गिरा दे भाग जाए अपने भाग जाए बोला लेकर रुए खाए खाती बोलाए तो ऐबे ना कर भाई का कर जाए सब घर में सामान बाय चावल दाल सब्जी सब सामान घर में बाय का जाए का बोलो तेरी का जाए अब आवे ना है एगो रोटी मुठी भरते मुठी भरते बह पर दर से एगो रोटी मांग दे आया दे अपने खाए याद है बाबू के खिया भूसी फोन बुझाए तो ओकर बाद से बाप के लगे फोन कर बाप के बोल लगे हम चल गए ना ये रोजा से रहने से दस में गाड़ी से रोजा छोड़ दिल हम जैसे लड़की लेके आनी लड़के लड़की लेके आनी तो जब हम कोने तन के सजाई कोर तेरे जाए तो उससे बढ़िया हम कहो लगे खोजे
और लोग रब हम अपन लेके हम अपन जतन कर ले भले नून रोटी खाए हम अपन जतन कर लेकिन वैसे भाई पड़े हम कहो लोग कह दिए घर में से निकाल दे लो घर में से निकाल एगो कोठरी बनवा दे लो मोड़े टाटी डाल के जब बरसाती डाल के तब पहन ले लेकर रोत रहे पहनावत रहने खियावत रहने खात रहने।